हेलो गाइस वेलकम टू बायोट सो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एंजाइम्स फॉर डीएनए मैनिपुलेशन हम वो सब एंजाइम्स के बात बारे, बारे में बात करेंगे जो डीएनए को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है मैनिपुलेशन मींस क्या सपोज़ हमारे पास कोई एक डीएनए है और उसको हमें चेंज करना है इधर हमें उसे ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे पीसेज में हमें वो डी एन चाहिए या फिर उसके एंड्स को चेंज करना हो या फिर उसके बीच में किसी पार्ट में चेंज लेके आना हो

लाइगेजेस तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम इन सारे एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलीमरेज पॉलीमरेज वो एंजाइम्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं न्यू पॉली न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू इधर डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड मतलब ये क्या करते हैं सपोज हमारे पास कोई एक पहले से ही डीएनए या आरएनए स्ट्रैंड है तो ये पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या करते हैं नए पॉली न्यूक्लियोटाइड्स न्यू पॉली न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री नए पॉली न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएंगे और एक नई चेन डीएनए चेन प्रोड्यूस करते जाएंगे इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है डी एन ए वन डीएनए पॉलीमरेज वन इसको हम लोग कहते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम। अक्सर एग्जाम्स में यह पूछा जाता है विच एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज कॉर्नबर्ग एंजाइम तो इसका आंसर है हमारा डीएनए पॉलीमरेज वन यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं अक्सर पॉलीमरेजेस कैसे वर्क करते हैं ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है कि ये है पॉलीमरेज तो सपोज हमारे पास एक कोई टेम्पलेट डी एन स्टैंड है तो उसके अपोजिट में ये जो येलो कलर की आपको लाइन दिख रही है ये है हमारा न्यू न्यूली फॉर्मिंग पॉली न्यूक्लियोटाइड स्टैंड तो डी एन पॉलीमरेज एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएगा और नए नए स्टैंडस को बनाते जाएगा तो इसके पास एक और प्रूफ रीडिंग की भी एक्टिविटी होती है कि कभी गलती से अगर गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए तो ये उसको रिमूव करके सही वाला न्यूक्लियोटाइड भी ऐड कर सकता है और एक-एक करके और नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाएगा और इस डीएनए चेन को और लंबा करते जाएगा तो ये था हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 और इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम की पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या है? मतलब ये जो डीएनए होता है उसके दो एंड्स होते हैं एक फाइव प्राइम एंड और एक थ्री प्राइम एंड तो ये हमेशा फाइव प्राइम से थ्री प्राइम वाली डायरेक्शन में ही पॉलीमरेस वाली एक्टिविटी शो करता है अगला जो हमारा एंजाइम है वो है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस हमारे हमारे वायरल जीनोम्स में हमारे वायरसेस के अंदर अक्सर बहुत लार्ज अमाउंट्स में पाया जाता है तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है ये क्या करता है ये आरएनए को लेता है एज अ सैंपल टेम्पलेट मेन स्टार्टिंग मटेरियल इस ये लेता है आर को और फिर एस आर से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से ये एक डी में अपने आप को चेंज कर लेता है तो दोस्तों ये था हमारा पॉलीमरेज के बारे में अब आइए चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के बारे में तो दोस्तों न्यूक्लियज न्यूक्लियस आर दोज एंजाइम्स दैट डीग्रेड ये क्या कर, काम करती है ये डीग्रेड करते हैं न्यूक्लियक एसिड को दैट डीग्रेड न्यूक्लिक एसिड बाई ब्रेकिंग फॉस्फोर बॉन्ड किस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि लिंक करता है एक न्यूक्लियोटाइड वन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर सो दोस्तों न्यूक्लियस क्या करते हैं हमारा जो डी होता है डी एन ए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ये हमारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं स्मॉल डॉट से मैं दिखा रहा हूँ तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आर कनेक्टेड दोनों कनेक्टेड होते हैं बाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये किससे कनेक्टेड होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से और इंटरकनेक्शन इन in दोनों डीएनए चेन का होता है दैट इज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड सो दोस्तों ये न्यूक्लियस क्या करते हैं ये जो फॉस्फोटेस्टर बॉन्ड है इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ओके okay? सो so, इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारा आर जैसा कि नाम है इसका आरएनएस ये आर को अटैक करता है दूसरा हमारा एग्जाम्पल है डीएनएस डी एन एस सिमिलर एज आर एन एस किसको अटैक करेगा डी एन एस को अटैक करेगा तो आइए इसके डिफरेंट टाइप्स जान लेते हैं न्यूक्लियस के क्या होते हैं सबसे पहला हमारा टाइप है डी एन ये न्यूक्लियस का एंडो न्यूक्लियस और दूसरा है हमारा एग्जोन्यूक्लियस तो आइए एंडो न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं एंडो न्यूक्लियस जैसा कि नाम है एंडो एंडो मतलब अंदर इन साइड तो ये कहाँ कट लगाएगा ये एंडो न्यूक्लियस हमेशा कट लगाएगा इन साइड ऑफ द डी एन ए डी एन ए के बीच में अंदर के साइड यहाँ भी कट लगा सकता है यहां भी कट लगा सकता है मतलब डीएनए के अंदर कट लगाएगा वहीं वही मतलब आउटर पार्ट बाहर का साइड तो ये किधर कट लगाएगा ये आउटर साइड्स में कट लगाएगा ऑफ डीएनए ओके गाइस चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स जैसा कि नाम है एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स दीज आर द एंजाइम्स दैट मेक चेंजेस टू द एंड ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल्स ये डी एन ए के एंड में चेंजेस लेके आता है हमारे ये सपोज ये एग्ज़ाम्पल देख सकते ये हमारे डी एन ए है इसके एंड्स में हमेशा चेंज लेके आएगा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है वो है पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेस ओके पॉली न्यूक्टाइट काइनेस क्या करते है? ये करता है ये ऐड करता है फॉस्फेट को एट द फाइव प्राइम एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल के फाइव प्राइम एंड पे ही ये फॉस्फेट को ऐड करेगा यहाँ एग्जांपल से आप देख सकते हैं ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है इसके फाइव प्राइम एंड्स एम है यहाँ पर कुछ नहीं है तो जब ये पॉली न्यूक्टाइट काइनेस आएगा इंटू एक्शन ये ए को कंज्यूम करके ए में कन्वर्ट करेगा और फाइव प्राइम एंड्स पर ये फॉस्फेट को अटैच कर देगा सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है वो है एल्क्लाइन फॉस्फेटेस एल्क्लाइन फॉस्फेटेस क्या करता है इसका जस्ट अपोजिट होता है ये क्या करता है ये रिमूव कर देता है फॉस्फेट को फ्रॉम फाइव प्राइम एंड ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल सिमिलरली ये एक चीज़ क्या करता है ये इसको रिवर्स कर देता है रिवर्स बैक ये फाइव प्राइम एंड से फॉस्फेट को रिमूव कर देता है इसको हम लोग ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम ईकोलाइ e. दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अपने अगले एंजाइम्स की तरफ वो है हमारा लाइगेस दोस्तों हमारा लास्ट जो टाइप का डी एन ए मॉडिफिकेशन एंजाइम है वो है हमारा लाइगेज तो लाइगेजेस लाइगेज आर दोज एंजाइम्स दैट जॉइन ये क्या करते हैं ये जॉइन करते हैं डी एन ए को बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये फॉसफो बॉन्ड फॉर्म करते हैं बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स और ये दो डिफरेंट टाइप के डी एन ए मॉलिक्यूल्स को अटैच कर देते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं एक रेड डी है एक ब्लू कलर का डी है इन दोनों को अटैच करना है तब हमारा एंजाइम जो है डी एन आएगा और इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करके इनको अटैच कर देगा ये है दोस्तों हमारे एग्जाम्पल ऑफ स्टिकी एंड्स स्टिकी किस केस में हम लोग कहते हैं क्योंकि इनमें ब्रिज जैसा फॉर्मेशन होता है ब्रिज लाइक एंड्स होते हैं वेयर एज ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ ब्लंट एंड्स ब्लंट एंड्स क्या होते हैं एकदम प्रॉपर स्ट्रेट एंड्स होते हैं और इनको अटैच करने के लिए ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं ये है हमारा डी एन लाइगेस ये आया है और इसको इन दोनों को अटैच कर देता है तो दोस्तों जहाँ पे भी डी uh, एन को दो डिफरेंट टाइप ऑफ डी को अगर हमें अटैच करना होगा तो जो एंजाइम हमेशा यूज़ में आएगा वो है हमारा डी एन लाइगेस इसको हम लोग ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम ई कोलाई और इसको टी फोर बैक्टीरिया से भी ऑप्टेन करते हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा वीडियो एंजाइम्स फॉर डीएनए मैनिपुलेशन के बारे में होप्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा मैक्सिमम शेयर करिएगा और ज़रूर कमेंट्स करिएगा कुछ और वीडियोस अगर आप लोग को चाहिए तो थैंक यू